Good morning students. Today we will discuss about the digestive system of the frog. पिछले lecture में हमने frog की morphology के बारे में study किया था कि उसकी external features क्या होते हैं, बाहर से देखें तो उसमें क्या क्या structures नज़र आती हैं. आज हम उसका internal structure देखेंगे, internal organs को अपन देखेंगे कि अंदर जैसे अपन उसको open करते हैं, उसका dissection करते हैं तो क्या क्या systems अपन को नज़र आते हैं. तो सबसे पहले हम study करेंगे digestive system के बारे में, ठीक है. तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम ओपन करते हैं तो हमको कैसा नज़र आता है, उसमें आपकी एलिमेंट्री कैनाल नज़र आती है, उसमें आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नज़र आती हैं, ये सब मिल करके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल जो है वो फर्स्ट पार्ट माउथ से स्टार्ट होती है, लास्ट पार्ट रेक्टम का जो पार्ट होता है वो क्लोका के अंदर ओपन होता है, यहाँ तक होता है, ठीक है. इसके एलिमेंट्री कैनाल की साइज़ यदि अपन देखें तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो बहुत छोटी होती है. रीजन क्या होता है, क्योंकि आपका जो फ्रॉग होता है वो कार्निवोरस होता है, तो कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उसकी एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में भी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करना होता है, वो ग्रासेज नहीं खाते हैं, वो हर्बीवोरस नहीं होते हैं, क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं, तो जो मीट होता है उसका डाइजेशन इजीली हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है. यदि वो हर्बीवोरस होते हैं तो सेलुलोज के डाइजेशन करने के लिए उसको लंबा इंटेस्टाइन होना पड़ता था, तो लंबा इंटेस्टाइन इसमें नहीं होता है, तो स्मॉल आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी भी साइज छोटी होती है, ठीक है. हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या नज़र आएगा, कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर नज़र आएगा. देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स अपन बना रहे हैं, कुछ हार्ट जैसी स्ट्रक्चर्स आपको यहां पे दिखेगी, ये आपको हार्ट नजर आएगा, यहां से ब्लड वेसल्स भी निकलेगी, ठीक है. जो बुक में डायग्राम है उसी के रेफरेंस में हम बात करेंगे, थोड़ा छोटा बना देते, नीचे स्पेस कम रहेगा, ये लीजिए. फिर यहां पे आपको वही गुलाबी आंखें क्या, गुलाबी कलर, पिंकिस, रेडिश पिंक कलर जैसी आपको किडनी नज़र आएगी, यहाँ से इसमें वो ट्यूब्स जाएगी, ऐसे इसमें हो जाएगा, ठीक है. अब दोनों के अंदर गया, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी यानी किडनी है उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो वहाँ से यूरिन पास आउट होगा, मिला देते हैं इसको, यूरिन पास आउट होगा तो यहाँ से क्या निकलेगी भाई, यूरेटर निकलेगी, येलो यूरेटर, एक पेयर यूरेटर यहाँ से आएगी, ठीक है. ये पेयर यूरेटर यहाँ आ गई, फिर ये नीचे एक कॉमन पार्ट होता है जिसमें ओपन होती है, उस कॉमन पार्ट को अपन क्लोका कहते हैं, उसको अपन आगे बनाते हैं, ठीक है. इधर अपन देखेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट्री जो कैनाल है उसका पार्ट आपका माउथ आता है, उसके बाद आपका फेरिंग्स पोर्शंस आता है, उसके बाद ईसोफेगस आता है, तो ईसोफेगस बहुत छोटी होती है क्योंकि इसके अंदर नेक प्रेजेंट नहीं होता है, नेक नहीं होता है तो ईसोफेगस क्या होगी, साइज में बहुत छोटी होगी. ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद में यानी फेरिंग्स वाला पोर्शन हो गया, ईसोफेगस हो गया, उसके बाद में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, ऐसे कुछ, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आपकी और कुछ नहीं है, ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ठीक है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या होगी, फोल्डिंग होगी, ठीक है. फोल्डिंग होने के बाद में क्या बनेगी भाई, ऐसे कुछ फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगी, ये लीजिए, यहाँ पे ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स बंद हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगा कुछ यूं करके, ये लो, ठीक है. ये आपका क्या हो गया, वही क्लोका वाला पोर्शन हो गया, तो इसको अपन ये यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है. इसके यहाँ पे क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है. और क्या रहेगी, यहाँ पे फैट बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है. और क्या बचा है,
ये आपका लीवर हो गया, यहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहेगा, फिर यहाँ पे आपका लंग्स छोटा बना देते हैं अपन, ये लंग्स हो जाएगा। लगभग सारी चीज़ आ गई है। एक बार हम इसको लेबल कर लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम विजिबल है, जो भी स्पेस अपन ने कवर किया है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करेंगे, तो ये आपका पार्ट रहेगा ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद में ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको अपन क्या कहेंगे, स्टमक रहेगा। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दो पार्ट होंगे, ड्यूडेनम और इलियम। फर्स्ट पार्ट होगा वो ड्यूडेनम होगा, ये वाला पोर्शन है जिसको अपन ड्यूडेनम के नाम से जानेंगे, और लास्ट पार्ट होगा आपका इलियम, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या होगा, रेक्टम वाला पोर्शन होगा, ये आपका रेक्टम कहलाएगा लास्ट पार्ट। इसको हम कह देते हैं क्लोका। क्लोका आपका क्या है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। दिस इज क्लोकल अपरेचर, ये आपका क्लोकल अपरेचर है। ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये आपकी क्या है, किडनी, ठीक है। ये आपकी फैट बॉडीज हैं, ये आपके लंग्स नज़र आएंगे, दिस इज योर किडनी यार ओ सॉरी किडनी तो हो गया लीवर लीवर एंड ये हो जाएंगे आपके गॉल ब्लेडर। ये सुंदर सा प्यारा सा आपका हिंदुस्तानी दिल, हार्ट। आई थिंक सारी चीज़ अपन ने कवर कर ली है। ये एक डायग्राम, लेबल डायग्राम हमने बनाया है। अब इसके बारे में सारी सिस्टम, सारी स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। डायग्राम एक बार आपने बना लिया है तो आप फोकस करिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है। इसमें दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको तो एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, ये सब क्यों है? क्योंकि जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो अपन को ये पार्ट नज़र आते हैं, ये पार्ट भी अपन को साथ में नज़र आते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है आपके, हर स्ट्रक्चर के साथ में कोई सा भी अपन सिस्टम पढ़ेंगे ना, जैसे अपन यहाँ पे किडनी आ रही तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे लंग्स अवेलेबल है तो लंग्स के बारे में, यानी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो भी काम आएगा। आप जो क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा। तो सारी चीज़ अपन को यहीं पर समझ लेनी है ताकि ये आगे जब अपन लेक्चर्स देखें तो वो अपना काम ईजी हो जाए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये आपका ईसोफेगस है, यानी ईसोफेगस से तो स्टार्ट नहीं होती है, यहाँ पे बनाया नहीं गया है। सबसे पहला पार्ट क्या होगा, माउथ वाला पोर्शन होगा, ठीक है। माउथ वाले पोर्शन में क्या होती है, एक टंग होती है। माउथ वाले पोर्शन में क्या होती है, वन मिनट, सॉरी आई एम ओके, राइट। सबसे फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या होगा, फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का आपका माउथ होगा। माउथ के अंदर आपकी बकल कैविटी या ओरल कैविटी होगी, उसके अंदर क्या होगी, एक टंग होगी, बाईलॉब्ड टंग होगी, बाईफॉग्ड टंग होगी, यानी इनकी जो टंग होती है ना, वो जो भी फूड को कैप्चर करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी टंग को बाहर निकालते हैं, और स्टिक की टंग होती है इनकी, तो जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, वो टंग के साथ चिपक जाते हैं और वो उसको अंदर कर देते हैं। देखा होगा आपने फ्रॉग जब इंसेक्ट को कैसे कैप्चर करता है, वो टंग बाहर निकालता है, उसके चिपकाता है, उसको अंदर ले लेता है। तो बाईफॉग्ड बाईलॉब्ड टंग होती है इसके अंदर, जिससे वो अपना फूड का फीडिंग कर लेता है, इंजेशन कर लेता है। माउथ में आ गया, ओरल कैविटी में आ गया, ओरल कैविटी के बाद में फेरिंग्स में आएगा, फेरिंग्स के बाद में फूड ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस इसकी है वो बहुत छोटी होती है, ईसोफेगस बहुत छोटी होती है, इसी वजह से ऐसा कुछ दिखाया है। क्योंकि अपने बॉडी के अंदर तो क्या होता है, नेक होता है, पीछे भी अपने देखा था नेक वाला रीजन्स थोड़ा बहुत प्रेजेंट था वहाँ पे कॉकरोच के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे नेक वाला रीजन्स प्रेजेंट नहीं होता, तो ईसोफेगस बहुत छोटी होती है। फिर ईसोफेगस जो फूड है वो ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टमक के बारे में स्टडी कर लेंगे। मेन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये दो ही हैं जिसके अंदर फूड का डाइजेशन वगैरह होता है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टमक में क्या क्या होता है।
अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर, आपने जो 10th क्लास के अंदर ह्यूमन बॉडी लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर था जो डाइजेशन पढ़ा था, वही डाइजेशन, वैसा ही डाइजेशन इसके अंदर होता है, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर्स जो होते हैं वो इसके और हमारे एक जैसे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टमक, स्टमक के अंदर क्या क्या होता है। ईसोफेगस है, वह बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में खुलती है जिसको अपन स्टोमक कहते हैं। इसके अंदर फूड का क्या होता है, स्टोरेज होता है एंड डाइजेशन का काम होता है। स्टोरेज एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक पार्ट, ये स्टमक में होता है। अब स्टमक की जो वॉल होती है वो क्या सिक्रेशन करेगी, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करेगी और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी। क्या क्या सिक्रेशन, यही अपने स्टमक के अंदर अपने पढ़ा था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। मीडियम जो है वो कैसा बना देता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, ये पढ़ा था अपने। गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है जिसके अंदर वही आपका पेप्सिन एंजाइम मिलेगा। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसी वजह से इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी अपन कहते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा सिंपलर पेप्टॉन्स के अंदर या प्रोटियोज के अंदर, अपन कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, डाइजेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड है उसका पार्शली क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। पार्टली डाइजेस्टेड जो फूड है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। ये इतने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, क्या क्या पढ़ा अपने स्टमक के अंदर, फूड को स्टोर करता है, डाइजेस्ट करता है। इसके लिए इसमें इसकी जो स्टमक की जो वॉल होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है जो मीडियम को एसिडिक बनाए रखती है। उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन सा आपका पेप्सिन का सिक्रेशन होता है जो प्रोटीन को सिंपलर प्रोटियोज और पेप्टोन्स के अंदर तोड़ने का काम करती है। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। इतना सा काम कहाँ होता है, आपके इस स्टमक के अंदर होता है। स्टमक में काइम जो है वो यहाँ से मूव करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन ड्यूडोनम के नाम से जानते हैं, और ड्यूडोनम के अंदर ही आपका डाइजेशन खत्म हो जाता है, जैसे अपने हो रहा था। अब ड्यूडोनम के अंदर क्या क्या होगा कि एक तरफ तो इसमें क्या होगा, आपका लीवर, यानी यहाँ पे दो ग्लैंड है उनका सिक्रेशन भी ड्यूडोनम के अंदर आएगा। ठीक है, और इन दो ग्लैंड कौन कौन सी होंगी, एक आपका लीवर होगा, लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा, उसका सिक्रेशन है वो कहाँ आकर के स्टोर हो जाएगा, गोल ब्लेडर में आकर के स्टोर हो जाएगा। और गोल ब्लेडर की जो डक्ट है वहाँ से ये निकलेगा और कहाँ आएगा, आपके ड्यूडोनम के अंदर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे पेंक्रियाज प्रेजेंट होगा, पेंक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी एक्जोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का फंक्शन करती है। तो यहाँ पे इसका एक्जोक्राइन ग्लैंड वाला फंक्शन होगा जिसके अंदर ये पेंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन करेगी। पेंक्रेटिक जूस है और आपका जो बाइल जूस है एक कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडोनम के अंदर एंटर करता है। ड्यूडोनम के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो ड्यूडोनम है, ये भी क्या करेगा, इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन करेगा। तो तीन जूस हो गए, एक बाइल जूस हो गया, एक पैंक्रेटिक जूस हो गया और एक आपका इंटेस्टिनल जूस हो गया। ये तीनों जूस मिलकर के फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे। कैसे कैसे करते हैं देखते हैं हम, स्टमक वाली चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम इंटेस्टिनल डाइजेशन की बात करते हैं। ये जो स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ है ये क्या कहाँ जाएगा, आपका ड्यूडोनम वाले पोर्शन के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर एक तो आपका बाइल जूस जो हमने आपको बताया कहाँ से आएगा, आपके गॉल ब्लेडर से आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, आपका पेंक्रिया से पेंक्रेटिक जूस आएगा और उसके बाद में आपका इंटेस्टिनल जूस आएगा। वन बाई हम लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस क्या करेगा, एक तो जो मीडियम आपका फूड का एसिडिक था स्टमक के अंदर उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्या करता है, ये फेट का इमल्सिफिकेशन करता है, फेट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो फेट है वो एक लार्ज ग्लोब्यूल्स है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है जिसके ऊपर एंजाइम जो लाइपेज है वो एक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए तो क्या करता है, ये बाइल जूस होता है इसको छोटे छोटे
फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो लाइपेज एंजाइम है वो इसके ऊपर इजीली एक्ट कर पाए। इसको अपन क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के नाम से जानते हैं। तो दो काम होंगे बाइल जूस के, एक तो बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, सेकंड क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करने का काम करेगा। यहां तक बात समझ में आएगी। उसके बाद आपका सेकंड आता है पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस, अब ये जो पेंक्रियाटिक जूस है वो आपका पेंक्रिया सिक्रेट करेगा। इसमें तीन एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा ट्रिप्सिन, इसमें एक आपको मिलेगा लाइपेज, एक आपको मिलेगा अमाइलेज। ये तीन एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, तो ये क्या करेगा, आपका प्रोटीन है उसको सिंपलर वही पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी सिंपलर अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। उसके बाद आपका लाइपेज है, लाइपेज जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये क्या करेगा, एक्ट करेगा फैट के, और फैट को तोड़ देगा, डाइजेस्ट कर देगा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका बचा है एंजाइम अमाइलेज, ठीक है। ये अमाइलेज है, ये अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च है उसको तोड़ेगा, स्टार्च है उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको सिंपलर शुगर में यानी माल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तीन काम हुआ यहाँ पे पेंक्रियाटिक जूस के थ्रू। वापस रिपीट कर देता हूँ क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहला है तीन एंजाइम का सिक्रेशन होगा, यानी तीन एंजाइम इस जूस के अंदर मिलेंगे। नॉर्मली ट्रिप्सिन मिलेगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज मिलेगा जो इमल्सिफाइड जो फैट है उसके फैट के ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर एक्ट करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाएगा। अमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये बाइल जूस का काम हो गया, ये पेंक्रियाटिक जूस का काम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इन दोनों का जूस है ड्यूडेनम वाले पोर्शन के अंदर आ गया जिसका काम हो गया। उसके बाद में जो इंटेस्टाइन है ये खुद भी जूस सिक्रेट करती है, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस। क्या कहते हैं अपन इसको, इंटेस्टिनल जूस के नाम से जानते हैं। इंटेस्टिनल जूस क्या कर देता है, जो भी डाइजेशन बच गया है, चाहे स्टमक में हुआ है डाइजेशन, पेंक्रियाटिक जूस के थ्रू हुआ है, बाइल जूस के थ्रू हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। वैसे बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते, कोई डाइजेशन नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंजाइम्स इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स थे, इसके अंदर डाइजेशन हो गया। अब जो भी डाइजेशन बच गया है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, कुछ भी न्यूक्लिक एसिड का, सबका डाइजेशन यानी फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द इंटेस्टिनल जूस। यानी डाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेशन कंप्लीट इन द इंटेस्टिनल जूस बाय द इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस है वो डाइजेशन खत्म करेगा। बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब डाइजेशन हो गया तो अगला काम क्या आता है इसका, अगला काम नेक्स्ट फंक्शन ये होता है कि उसका फूड का अब्जॉर्प्शन होना है। अब्जॉर्प्शन होने के लिए क्या होगी, आपकी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होंगे, जैसे अपनी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इनफोल्डिंग्स थी जिसको अपने विलाई, और जो स्टिल स्मॉलर थी उसको हम माइक्रोविलाई कह रहे थे। ये विलाई और जो माइक्रोविलाई है वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। लार्ज सरफेस एरिया बढ़ जाएगा विलाई की वजह से। पढ़ाता याद आ रहा है कुछ स्ट्रक्चर, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो ये जब फोल्डिंग स्ट्रक्चर में होते हैं तो ये इसकी वजह से माइक्रोविलाई का सरफेस, एक तो ऐसे होते तो सरफेस एरिया इतना ही होता, एक इसमें फोल्डिंग्स होगी तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है तो लार्ज अमाउंट में क्या होगा, फूड का अब्जॉर्प्शन होगा, और फूड का अब्जॉर्प्शन होने के बाद में अल्टीमेटली वो एनर्जी अब्जॉर्ब प्रोड्यूस कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन जिसको अपन कह सकते हैं, यानी रेक्टम वाला पोर्शन कह सकते हैं। रेक्टम आएगा, रेक्टम में कुछ वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद में क्लोका के अंदर आ जाएगा और क्लोकल अपरेचर से बाहर निकल जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको फीकल मैटर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। ये सारी चीज हमने पढ़ी है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, यानी फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपन पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड दो होती हैं, एक आपका लीवर होता है और एक आपका पेंक्रियाज होता है।
लीवर है बाइल जूस को सिक्रेट करता है, गोल ब्लेडर में स्टोर करता है, गोल ब्लेडर से आपके ड्यूडेनम वाले पोर्शन में आता है। पेंक्रियाज है, हेटरक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती हैं, तीन एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर डाइजेशन हो जाता है। बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ये डाइजेशन का काम नहीं करता है, ये दो काम करता है, मीडियम को बेसिक करता है और फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, स्टमक में भी डाइजेशन होता है, पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फूड यहाँ होता है उसको अपन काइम कहते हैं, ये टेम्पररी स्टोर होता है, उसके बाद में यहाँ से मूव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आपका अनडाइजेस्टेड जो फूड प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आ जाता है, क्लोकल अपरेचर से बाहर निकल जाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, ये जो डायग्राम है अपन आगे भी इसको काम में लेंगे, थोड़ा सा अपन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे हम सिस्टम्स पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताता जाऊँगा। आप यहाँ पे देखें कि लीवर वगैरह के बारे में हमने स्टडी कर लिया, यहाँ पे ये दो लंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे अपनी बॉडी में होते हैं वैसे ही इसके अंदर लंग्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो किडनी है, अब देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल से देख लेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ आप याद रखें कि ये जो किडनी है उसके जस्ट ऊपर मेल के अंदर क्या होते हैं, टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी आपके टेस्टीज प्रेजेंट होंगे। ये जो टेस्टीज है यहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इस टेस्टिस का स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद यहाँ से कुछ ट्यूब्स निकलेगी, वो ट्यूब इस किडनी के अंदर आ जाएगी, वो ट्यूब कहाँ जाएगी, इस किडनी के अंदर आ जाएगी और यहाँ पे एक केनाल होगी, इस केनाल के अंदर ये आपके स्पर्म्स आएंगे। ठीक है, इधर क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर जो किडनी है उसके अंदर जैसे अपनी बॉडी में नेफ्रॉन्स थे ना, इसमें भी बहुत सारे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो डक्ट है, ये तो आपकी ये डक्ट है जिसके अंदर आपके स्पर्म्स आ रहे हैं, ये डक्ट जिसमें यूरिन आ रहे हैं, ये आकर के यहाँ कंबाइंड हो जाती है और कंबाइंड होकर के एक ही ट्यूब से निकलती है बाहर, एक ही ट्यूब से बाहर निकलती है और आकर के क्लोकल अपरेचर में खुल जाती है, जिसमें से इसी ट्यूब में से तो क्या निकलेगा, स्पर्म्स निकलेंगे, इसी ट्यूब में से आपका यूरिन निकलेगा, कॉमन डक्ट होगी, यानी वो काम करेगी, यूरिन का भी काम करेगी और जेनाइटल ट्रैक्ट का भी काम करेगी, तो उसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट के नाम से जानते हैं, यानी ऐसी डक्ट जो यूरिन का भी काम करती है और जेनाइटल ऑर्गन के लिए भी काम करती है, यानी स्पर्म्स भी उधर से आते हैं और आपका यूरिन भी उधर से आता है, तो उसको यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। ये कॉमन डक्ट होती है, कैसे होती है डिटेल के साथ हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस समय बता देंगे हम आपको। ये सिर्फ मेल के अंदर होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो अलग पड़ी रहती हैं, इसका किडनी के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, तो आपकी किडनी के जो यूरेटर हैं वो अलग आती हैं और ओविडक्ट है वो अलग आकर के इसके अंदर खुलती है। इतनी सी चीज़ आप ध्यान रखें, आगे अपन जब इसको पढ़ेंगे तब उसमें और देख लेंगे। यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर हो जाता है और जैसे ही इसमें फिलअप हो जाता है, इसमें मैच्योरेशन होता है, वो आपका यूरिन क्लोकल अपरेचर से बाहर आ जाता है। कहानी समझ में आई तो यस दे देना, नहीं आई तो बेटा नो दे देना, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फ्रॉग का खत्म है। इसके बाद आप एनसीईआरटी उठा करके देख लेना, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। डायरेक्टली एनसीईआरटी उठाओगे सब कुछ मिक्स हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये अपना एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड खत्म होती है, ये आपका यहाँ पे हर्ट होता है, यहाँ से ट्यूबुलर्स वगैरह हर्ट स्ट्रक्चर्स वगैरह निकलेगी। ये सारे सिस्टम्स वेल डेवलप्ड है, फ्रॉग वेल डेवलप होते हैं तो जैसे अपनी बॉडी के अंदर सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, वही ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इजी टू लर्न होगा, इजी टू स्टडी होगा और साथ साथ में जब आप देखते जाएंगे तो साथ साथ में लर्न भी करते जाएंगे। ठीक है, ये कहानी समझ में आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।